क्रिकेट कप तो हारना नहीं, सामने खड़ी है फतह, जज्बा जुनून अब जगा ले तू, झूलेगा तू फिर आसमां, मंजिल नहीं अब दूर है, करता ये दिल शोर है, क्रिकेट का बड़ा मेला सज गया। कश्मीर प्रीमियर लीग की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब, इवेंट में 6 टीमें शरीक, पहले मैच में रावला कोट हॉक्स और मीरपुर रॉयल्स का टाकरा। कश्मीर प्रीमियर लीग और मुहर्रम अल हराम के दौरान अमन अमान बरकरार रखने का मामला, आजाद कश्मीर में फौज और रेंजर्स तैनात होगी। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी मंजूर कर ली, सिक्योरिटी इदारे सिविल इंतजामिया की मदद के लिए मौजूद रहेंगे। पाकिस्तान की कामयाब सिफारत कालमी सतह पर वफद, सदर आजाद कश्मीर और मुबसर मिशन से मुलाकातें करेगा। भारत ने वफद को मकबूजा कश्मीर के दौरे की इजाजत नहीं दी थी। लहते कश्मीरियों पर बर्बरियत जारी, काबिज फोर्स की जानेब से नाम निहाल सर्च ऑपरेशन की आड़ में नस्ल कशी, राजौरी में फायरिंग, मजीद दो नौजवान शहीद, इलाके में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ का कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा, यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल भी चढ़ाए। इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा को पाक अफगान सरहद की सूरत हाल, जम होने वाले जिला में तरक्याती कामों और दीगर अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। इमरान खान की शौकत अस्पताल भी आमद, फेज 3 की तकमील और ऑपरेशन थिएटर का इफ्तिताह किया। अरकान असेंबली को तरीन ग्रुप में लाने के लिए लॉबिंग का इल्जाम, वजीर आला पंजाब के मुआवने खसूसी आम चौधरी अहदे से मुस्ताफी, दबाव डालकर इस्तीफे लेने से पार्टी को नुकसान होगा, हम भी तैयार हैं, ग्रुप नहीं छोड़ेंगे, बुलाया गया तो असेंबली में शिस्तें छोड़ देंगे, राजा रियाज का शदीद रद्द अमल। मुआवन खसूसी इत्तेहाद पंजाब अहदे से मुस्ताफी उस्मान फुजार ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। फिरदौस आशिक खवान को वज़ीर आज़म की मुआवन खसूसी ब्राय बहबूद आबादी मुकर्रर करने का फैसला। सूबाई वजीर ब्राय जेल खानाजात फयाजुल हसन चौहान दोबारा इत्तेहाद पंजाब का कलमदान संभालेंगे। पंजाब काबीना में भी तौसी असद खोकर शामिल। रहीम यार खान में मंदिर पर हमला, सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिमों की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया, मुतासर इलाके में अम के लिए विलेज कमेटी बनाने की हिदायत, वाकया पाकिस्तान की बदनामी का बायस बना, 3 रोज गुजर गए एक बंदा भी नहीं पकड़ा गया, कमिश्नर डीपीओ काम नहीं करते तो हटा दिया जाए, चीफ जस्टिस के रिमार्क। वज़ीर आज़म ने मंदिर पर हमले का नोटिस ले लिया, एडिशनल अटॉर्नी जनरल का अदालत में जवाब, हुकूमत अपना काम जारी रखे, कानूनी मामला हम देखेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रिमार्क्स, 1 हफ्ते में पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। पाकिस्तान का मुस्तकबिल एक प्रोग्रेसिव मुल्क का है, एक ऐसे मुल्क का है जहां पर अकलियतें मुकम्मल महफूज हैं। पाकिस्तान के झंडे में जो 2 रंग हैं उन दोनों की हुर्मत ही हम पर फर्ज, यहाँ पर कोई फासिस्ट आइडियोलॉजी हुक्मरानी नहीं कर सकती। इन लोगों को जिन्होंने हमारे हिंदू भाइयों को ठेस पहुंचाई, के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई, उनको करार वाकई सजा होनी चाहिए।
पाकिस्तान भारत नहीं, यह अखिलियतें महफूज हैं। पाकिस्तानी परचम में मौजूद दोनों रंगों की हुरमत जरूरी। मुल्क में किसी किस्म की फासिस्ट आइडियोलॉजी नहीं चल सकती। रहीम यार खान वाकये में मुलविस मुलजमान को करार बाकी सजा मिलनी चाहिए। फवाद चौधरी का रद्द अमल। मंदिर की बेहुरमती का वाकया काबिले मजम्मत और अफसोसनाक। मुल्क में अकलियतों का तहफ्फुज़ यकीनी बनाएंगे। जिम्मेदारों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी। वज़ीर दाखला शेख रशीद की यकीन दहानी। वीजे में तौसी के मामले पर छलांगे हुकूमती बौखलाहट का सबूत। जाली हुक्मरान जहनी तौर पर शिकस्त खा सके। पाकिस्तान का हाल और मुस्तकबिल नवाज शरीफ ही हैं। मरियम नवाज काफिल। व्हाट इज द रियल ट्रुथ आउट ऑफ दीज 9 जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं, आपका बयानिया है? जब उन्होंने मियां साहब की सारी एक्टिविटीज देखी तो उन्होंने कहा कि जनाब तुसी बोल रहे हो झूठ, तो मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, वो आपका पुराना वतीरा है झूठ बोलना। उन्होंने ने बताया कि मियां साहब ऐसे योजना रिपोर्टा नहीं बन दिया, मैं भी जेल जाऊंगा। मरियम साहिबा कोई किसी के सर पर सवार नहीं, आपके वालिद मोहतरम को जल्द पाकिस्तान लाएंगे। पांव पड़ने और गालियां देने वाले दोनों चोर, दोनों का एहतसाब होगा। नवाज शरीफ की बीमारी पर ढूंढ ली के 9 बयानिए, एक से बढ़कर एक झूठ बोला गया। बरतानिया ने दरख्वास्त मुस्तरद करके वाजे कर दिया कि वहां बहानेबाजी नहीं चलेगी। शहबाज गिल की धुआंधार न्यूज कॉन्फ्रेंस। कराए के तर्जमानों का मसला सिर्फ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ है। गुजरात साबिक वज़ीर आज़म की सियासत पर सियासत में मसरूफ, 3 साल में एहतसाब का बयान या दफन हो चुका है। मरियम औरंगज़ेब की तनकीद, हुकूमत नवाज शरीफ का बाहर भिजवा कर पछता रही है। अता तारर की गुफ्तगू। नून लीग ने झूठ बोलने का रिकॉर्ड कायम किए हैं। कल से मतवाली क़यादत की नींदें उड़ी हुई हैं। नवाज शरीफ के पास अब कोई चारा नहीं, साबिक वज़ीर आज़म जिद छोड़ दें और वतन वापस आएं। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का रद्द अमल। मुल्क में कोरोना के बाद जारी चौथी लहर खतरनाक, मजीद 67 अफराद जहां भाग। 24 घंटे के दौरान 4,745 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुस्बत केसेस की शरह 8.18% तक पहुंच गई। लाहौर से अगवा होने के बाद साहिवाल से बाजियाब बच्चियों को वालदैन के साथ भिजवाने का हुक्म। पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी, ज्यादती साबित नहीं हुई। अफगानिस्तान में आग और खून का खेल। अफगान वसाई की लश्करगाह में बमबारी, आग बड़क उठी। बगलान लोगर और जो जान सूबों में गुमसान करन। तालिबान का कई इलाकों पर कब्जा। जापान पर एटमी हमलों के 76 बरस मुकम्मल। हिरोशिमा में खसूसी तकरीब, सैकड़ों का शरीक दुनिया को जोहरी हथियारों से पाक करना चाहते हैं। जापानी वज़ीर आज़म का खिताब। एक्शन फिल्म फ्री गाय 13 अगस्त को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। न्यूयॉर्क में वर्ल्ड प्रीमियर शो। मूवी की कास्ट रेड कारपेट पर जलवा घर।